सर मचेल यात्रा जो है इस बार रिकॉर्ड जो है वो तोड़ गई। 2,81,000 से भी ज़्यादा श्रद्धालु जो है उन्होंने दर्शन किए माता रानी के दरबार के। तो कैसे आप देखते हैं इसको, और जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो इंतज़ाम वगैरह हुए थे उनको लेकर क्या बोलेंगे आप? थैंक यू। मैं पवन कोतवाल, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़, और मेरे साथ डॉक्टर अमित भगत, एस डी पाडर। जय माता दी। जैसे मैं आपको बताता चलूं कि परंपराओं के मुताबिक जो हमारी श्री मचेल माता यात्रा जो हर साल 25 जुलाई को शुरू होती है, इस साल 25 जुलाई 2024 को शुरू हुई और जो कि 5 सितंबर 2024 को ख़त्म हुई। और मुझे आज बहुत ही खुशी होती, जैसे आपने बताया कि इस साल हमारी ये थर्ड लार्जेस्ट यात्रा बनी है जम्मू एंड कश्मीर की। 2,80,000 जो हमारे श्रद्धालुओं और भक्तों ने यहाँ पर दर्शन किए। जैसे माता वैष्णो देवी नंबर 1 पे है, हमारे अमरनाथ की यात्रा जो दूसरे नंबर पर होती है, और तीसरे नंबर पर इस साल हमारा श्री मचेल माता यात्रा हुई जिसमें पूरे हिंदुस्तान के श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ताल्लुक है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे तरीके से व्यवस्था करके रखी थी, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी की व्यवस्था हो। जैसे मैंने पहले भी बताया अपनी इंटरव्यूज में कि चशोती तक हमारा इस साल रोड हमने खोला था, और चशोती के आगे तकरीबन 10 किलोमीटर का फासला रहता है जो कि 3 घंटे में हम पैदल चलकर माता के दर्शन कर सकते हैं। इस साल भी, अगले साल के लिए भी हमारी पूरी पूरी कोशिश रहेगी कि हम पूरे तरीके से और व्यवस्थाएँ करें, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट है कि यात्रा को कैसे नीट और क्लीन रखना है। इस साल भी मैं पूरे हमारे जितने भी श्रद्धालु आए उनको सबों को मुबारकबाद देता हूँ कि सबों ने इस यात्रा को नीट और क्लीन रखा। और साथ साथ में और भी हमारी जो फैसिलिटीज थी, जैसे हमारा आज वहाँ हम यात्री सराय हमने वहाँ बनाई लोगों के लिए, जैसे हमारे वहाँ शेड का इंतजाम किया गया वहाँ पर, ताकि जो धूप में लोग जो खड़े रहते हैं, बहुत सारी भीड़ लगी रहती है, ताकि वो आराम से वो दर्शन कर पाएँ। वहाँ का जो मोबाइल नेटवर्क था वो अच्छे तरीके से चला, हमारे चॉपर सर्विस बहुत ही अच्छे तरीके से चली, हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ किश्तवाड़ से लेकर भवन तक बहुत अच्छी थी। और जहाँ तक लंगर का मैंने बताना चाहूँगा कि जिन जिन जो हमारे भक्त थे, जो श्रद्धालु थे, जिन जिन ने भी जम्मू से लेकर भवन तक जिन्होंने लंगर लगाए उनको बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जो श्रद्धालु थे भक्तों को बहुत ही अच्छे तरीके से खाना खिलाया। और मैं फिर से सारे श्रद्धालुओं को, सबों को ये अगले साल के लिए फिर इनवाइट करता हूँ कि उसी जोश और खरोश के साथ अपने माता के आएँ, वहाँ पर माता के दर्शन करें, माता का आशीर्वाद लें। अगले साल हम इससे और ज़्यादा व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सर। क्या अभी भी यात्री आ सकते हैं अगर चाहे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी दिसंबर तक यात्रा चल सकती है। तो ये 2,80,000 का जो आंकड़ा मैंने बताया, मुझे लगता है कहीं ये 3,00,000 टच न कर जाए, क्योंकि अभी भी वहाँ पर यात्रु जा रहे हैं। तो हमारी यात्रा जो है ऑफिशियली 5 सितंबर को बंद हुई, जिसमें हमारा चॉपर सर्विसेज बंद हो जाता है, बाकी पूरी व्यवस्थाएं वही हैं। अभी भी जो हमारे श्रद्धालु हैं, जैसे मैंने बताया, सिर्फ 8 से 9 किलोमीटर के बीच में उनको पैदल चलना है, और इतना भी दुर्गम रास्ता नहीं है, बहुत ही अच्छा रास्ता है। मैं खुद वहाँ पर पैदल गया हूँ, मैंने तो 13 किलोमीटर के सफ़र से गया हूँ। बहुत ही उस सफ़र में तो पता भी नहीं चलता है, माता का इतना आशीर्वाद होता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि 8 किलोमीटर कहाँ से निकल गए। तो मैं सारे श्रद्धालुओं को बताना चाहता हूँ जो अभी भी दर्शन करना चाहते हैं माता के, वो आज आ सकते हैं दिसंबर तक। अभी भी हमारे जो वहाँ पर माता के जो दारा बोलते हैं जी, वो खुला रहेगा। अमित जी, आप SDM हैं पाडर के, जिस तरह से ADC साहब ने बोला कि यात्रा जो है वो अब बढ़ती ही जा रही है, और जाहिर से तौर से बात है कि अगले साल 5,00,000 का टारगेट जो है वो यात्रियों का होगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डिमांड है और जो बाकी फैसिलिटीज़ है उसके लिए आप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कर रहे हैं? क्योंकि अब ये यात्रा जो है वो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन के कंट्रोल में आई है और इसका बोर्ड भी बनने जा रहा है, तो कैसे देखते हैं आप अगले साल के लिए? आसिफ जी, पहले तो जय माता दी। जैसे सर ने कहा कि इस बार जो है हमने जो है रिकॉर्ड बीट जो है यात्रा हुई है, इसमें मैं तमाम जितने भी हमारे यात्री हैं, हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, सिविल इंतज़ामिया हो, या वॉलेंटियर्स हो, इसमें हमारे लंगर वाले लोग भी आ जाते हैं, और इसमें आप जैसे मीडिया कर्मी आ गए और हमारे जो वॉलेंटियर्स आ गए, इन सब लोगों का मैं जो है तहे दिल से जो है हाथ जोड़ के इनसे मैं बहुत ही वो करता हूँ। और इस बार जैसे सर ने कहा कि इंतज़ाम हमारे बहुत पुख्ता रहे, रोड हमारी चशोती तक पहुँची,
और यात्री जो है इस बार हमने ऐसे ऐसे नज़ारे वहाँ देखे, माता ने जो है दिल खोल के जो है वो अपना जो यात्री उनको दर्शन दिए। तो अगली बार के लिए जो है आप कह रहे हैं कि क्या इंतज़ाम रहेंगे? एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ही अब यात्रा क्लोज हो गई है तो अगली बार हमारे जो अब रोड का जो काम जो है वो आगे चलता रहेगा और इसके साथ साथ ऊपर जो हमारे भवन में है कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो अगले साल के लिए हम इस बार जो कुछ कमियां हमारी रह गई हैं तो अगले साल उसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे, चाहे वो सैनिटेशन की हो चाहे वो रहने की व्यवस्था हो। सर इस बार टूरिज्म डिपार्टमेंट का जो है वो बहुत योगदान रहा है यात्रा में। जो हमारे पूर्व डीसी साहब थे उनकी निगरानी में जिप लाइन खोली गई, इसके अलावा जो है वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी की, राफ्टिंग वगैरह की गई। तो टूरिज्म डिपार्टमेंट के और किस तरह के प्रोजेक्ट्स आपके सामने आए हैं ताकि इस यात्रा को जो है वो और अट्रैक्टिव बनाया जाए? देखिए पाडर जो है एक बहुत खूबसूरत इलाका है, आप इसको पिलग्रिमेज टूरिज्म के हिसाब से देख लें। आप सोल वाली साइड चले जाएं, गंधारी वाली साइड चले जाएं या सुनचाम वाली साइड चले जाएं, आपको ऐसे नज़ारा पूरे रियासत में नहीं देखने को मिलेगा। तो हमारी ये पहल है, चाहे वो एलजी साहब की हो, चाहे वो हमारे माननीय एलजी साहब हों, चाहे हमारे डिवकॉम साहब हों और हमारे जो डीसी साहब हैं, इनकी बहुत बड़ी पहल है और चाहे हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट हो। तो हमारा ये रहता है कि पिलग्रिमेज टूरिज्म के साथ साथ जो है हमारे पाडर का जितना भी हमारी और भी सीनिक लोकेशंस हैं वहाँ का यात्रा जो है यात्रा के साथ साथ वहाँ उन लोकेशन पे भी जाएं और हमारा फुटफॉल ऊपर भवन की तरफ ही नहीं दूसरे इलाकों में भी जाए ताकि हमारे पाडर को जो है एक प्रमोशन मिले और यहाँ पे एक टूरिज्म की जो है बढ़ोतरी हो। एडीसी साहब इस बार हमने देखा कि जो पाडर का हैंडीक्राफ्ट है, चाहे वो कम्बल्स हो, स्वेटर्स हो, जो वहाँ की चपलियाँ वगैरह जो भी वहाँ का ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उनकी काफ़ी डिमांड रही और जो सप्लाई है वो कम है। तो क्या इस पर आप कुछ सोच रहे हो कि जो पाडर का हैंडीक्राफ्ट और जो वहाँ के लोकल चीज़ें हैं उनको प्रमोट करने के लिए कोई स्पेशल प्रोग्राम? बहुत आपने ये अच्छा सवाल किया, आपने मेरे दिल की बात ले ली क्योंकि मैं इस महकमे में रहा भी हूँ, हैंडीक्राफ्ट महकमे में रहा भी हूँ। तो मैंने इस विषय में डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट से भी मैंने बात की है कि यहाँ के लिए एक हम प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, एक प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं जिसमें हर ट्रेड होगा। जैसे यहाँ पर मुझे लगता है कि ज़्यादा जो लोकल जो कंबल बुनते हैं उसके लिए एक प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं। तो मैंने हमारे फुलैल जी हैं आज वो इंचार्ज हैं इसके, असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट के, मैंने उनको बताया है कि आप आइडेंटिफाई कीजिए लोगों को कि ताकि हम उन लोगों के लिए हम ये प्रोजेक्ट लाएं। इसके लिए हमें 200-300 लोग चाहिए, उसके लिए प्रोजेक्ट गवर्नमेंट के पास पैसे की कमी नहीं है, हमें सिर्फ लोग जोड़ने हैं जो लोग ये काम करते हैं, जो ब्लैंकेट्स बुनने का काम करते हैं, वो वाला प्रोजेक्ट मेरी दिली ख्वाहिश है। तो मैं ये ज़रूर इस पर काम करूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू।